गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ये मौर्य वंश का मेरा दूसरा लेक्चर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इतिहास को अगर आप क्रम से पढ़ेंगे तो आपको याद करने में काफ़ी क्या नाम है आसानी होगी। अगर आप इसको ऊपर नीचे करके पढ़ेंगे, कभी मेडिवल पढ़ लिया, कभी मध्यकालीन भारत पढ़ लिया, कभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया, तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो आप इसको क्रम से याद करते हुए चलेगा, इसलिए मैं क्रम वाइज वीडियोस लेके आ रहा हूँ। तो ये मौर्य वंश का लेक्चर मेरा लेक्चर नंबर 2 है। तो आरंभ गुरु में आपका स्वागत है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए। तो ये भी लेक्चर किसको डेडिकेटेड है? बीपीएससी और बीपीएसआई को, लेकिन ऑल इंडिया एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब शासकों से और संस्थापक से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, अब इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो मौर्य वंश का प्रशासन किस तरीके का था? देखिए, मौर्य वंश के बारे में हम लोग जब पढ़ना शुरू किए तो उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए कि मगध पे शासन करने वाला प्रथम जो वंश था वो था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद आता है कौन सा वंश? नंद वंश। और नंद वंश के बाद जो अगला वंश आता है वो होता है मौर्य वंश। तो हम लोगों ने कल मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र आता है जो काफ़ी नकारा पुत्र था, जिसका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार। फिर बिंदुसार के बाद उसका पुत्र आता है जो महान सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, प्रिय सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसको कहते थे अशोक। और मौर्य वंश का पतन करता है कौन? बृहदत्त, जिसको हत्या करके पुष्पमित्र शुंग वंश की स्थापना करता है। तो अब हम लोग मौर्यों के प्रशासन के बारे में जानेंगे कि मौर्य वंश का प्रशासन किस तरीके से चलाया जाता था और कौन कौन से क्षेत्र थे उसमें। ठीक, तो राजा प्रशासन का सैनिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी प्रमुख होता था। मतलब सैनिक को भी देख रेख वही करता, प्रमुख वही होता था। देखिए, प्रशासन का प्रमुख राजा होता था, सैनिक का भी प्रमुख राजा होता था, न्याय का भी प्रमुख राजा होता था। जैसे अभी भी है ना कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई है, सबको सजा देने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करती है। लेकिन उस समय क्या था, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, वो न्याय दे रहा है, लेकिन अगर इसके फैसले को अगर कोई बदल सकता है तो कौन बदल सकता है? केवल और केवल राजा बदल सकता है। ये जो न्यायिक कार्य, न्यायिक न्याय विभाग की स्थापना की गई थी कि कौन चोरी करेगा, कौन रेप करेगा, कौन हत्या करेगा, तो उसको किस तरीके की सजा दी जाएगी, तो उसकी व्यवस्था की गई थी। अलग अलग से उसके भी विभाग बनाए गए थे, लेकिन राजा सर्वो प्रमुख होता था। राजा क्या होता था? राजा के कहने पे ही सब कार्य होता था। तो राजा चाहे तो उसके निर्णय को बदल भी सकता था। जैसे अभी राष्ट्रपति है, वही मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकते हैं। किसकी सलाह पे? मंत्रिपरिषद की सलाह पे। उसी तरीके के राजा भी होता था। सैनिक का भी प्रमुख कौन होता था? राजा होता था। सैनिक सेना का भी प्रमुख कौन होता था? राजा। हालांकि कहते थे किसको, तो प्रधानमंत्री होता था जो वही देख रेख करता था, लेकिन क्या होता था, सैनिक का भी प्रमुख कौन होता था? राजा होता था। अमात्य को प्रशासनिक अधिकारी कहा जाता था। ये क्वेश्चन 100 बार पूछा गया है कि जो मौर्यों के प्रशासन में अमात्य किसे कहा जाता था, तो किसे कहते थे? अमात्य प्रशासनिक अधिकारी को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? अमात्य प्रशासनिक अधिकारी को कहा जाता था। तीर्थ किसे कहा जाता था? तीर्थ सिस्टम अधिकारी होता था, मतलब सर्वोच्च अधिकारी जो होता है इस उस समय कौन होता था? तीर्थ होता था। याद रखिएगा, सर्वोच्च अधिकारी तीर्थ होता था। जैसे कि मान लीजिए इस समय सबसे बड़ा पद भारत का कौन सा है? राष्ट्रपति का पद है। तो उस समय सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ा अधिकारी जो कोई होता था तो कौन होता था? तीर्थ होता था। जैसे कि हम लोग ब्रिटिश आधिपत्य के बारे में पढ़ते, तो उसमें सबसे प्रमुख गवर्नर जनरल होता था, या गवर्नर या वायसराय होता था। उसी तरीके से सबसे प्रमुख जो अधिकारी होता था मौर्यों के प्रशासन में, वो तीर्थ होता था। समाता राजस्व प्रधान होता था, और बलि विभाग को भी देख रेख यही करता था। सन्निधात्य राजकोषा अध्यक्ष होता था। क्या होता था? राजकोषा अध्यक्ष होता था। पणाध्यक्ष क्या होता था? वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। और अल्पक्षण महाखारेश्वर का अध्यक्ष होता था। ठीक, सैन्य विभाग किस तरीके का था? देखिए, सेना तो इसकी सबसे विश्व प्रमुख थी, इसीलिए इसको कोई परास्त नहीं कर पाता था। अब जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे क्या होगा, पैदल सेना होगी। क्या होगी? पैदल सेना होगी। ठीक, फिर उसके बाद हाथी की सेना होगी। क्या होगी? हाथी की सेना होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, घुड़सवार होंगे। घुड़सवार होंगे, ठीक, घुड़सवार होंगे। फिर उसके बाद रथ होता था। क्या होता था? रथ होता था। रथ होता था। पहले कौन होता था? सेना उसका बहुत, मौर्यों के पास बहुत ही विशाल और बहुत समृद्ध सेना थी। सबसे पहले पैदल सेना आगे चलती थी, उसके बाद हाथी की सेना रहती थी, फिर उसके बाद घुड़सवार रहते थे, लास्ट में एकदम पीछे राजा होता था जब हमला वो लोग करते थे। तो एक चतुर्थ सेना थी उनकी, कहती थी चतुर्थ सेना थी। न्यायिक जो अधिकारी होते, न्याय में धर्मस्थिर और क्या नाम, अमर कंटक, कंटक शोधन होते थे। अब जैसे धर्मस्थिर, धार्मिक मामलों में अगर कोई हस्तक्षेप करता था तो उनको सजा देने का काम दीवानी अदालत करती थी। और कंटक शोधन, कंटक शोधन फौजदारी अदालत होता था। फौजदारी अदालत जैसे अभी भी देखते ना, दीवानी अदालत, फौजदारी अदालत, उसी तरीके से उस समय भी दो तरह की अदालतें होती थी। उनको क्या क्या बोला जाता था यही आपको बताना चाह रहा हूँ मैं। ठीक, गुप्तचर व्यवस्था थी। संस्था जो था एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहकर क्या करते थे,
एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहते थे, ये एक तरीके के क्या नाम है स्थिर गुप्त होते थे, गुप्तचर होते थे। और जो क्या नाम है संचार के माध्यम से भी गुप्तचर की व्यवस्था, जैसे मान लीजिए आप सीधा सीधा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक, यहाँ पे जो देख रेख हो रही है, यहाँ पे जो देख रेख हो रही है तो यहाँ पे की जानकारी मैं राजा तक पहुँचाऊँगा। और कुछ ऐसे भी गुप्तचर होते थे जो राजा क्या करता था, सपने सभी साम्राज्य में इधर उधर स्थापित कर देता था, पूरे साम्राज्य की उसको क्या मिलती रहती थी, जानकारी मिलती रहती थी जहाँ जहाँ तक उसका शासन था। तो इस तरीके से उनकी गुप्तचर व्यवस्था भी थी, इस तरीके से उनकी गुप्तचर व्यवस्था भी थी। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रांत चक्र। अब देखो कई प्रांतों में बटा हुआ था, तो कई प्रांतों में कई अधिकारी हुआ करते थे, तो उन जगह को क्या क्या बोला जाता था ये क्वेश्चन बनता है, ठीक। उत्तरापट तक्षशिला तक था, उत्तरापट तक्षशिला था, दक्षिणापट स्वर्णगिरी तक था, दक्षिणापट कहाँ तक था स्वर्णगिरी तक, कहाँ तक था स्वर्णगिरी तक था, स्वर्णगिरी तक था। पार्शीपूर्व पाटलिपुत्र तक था, पार्शीपूर्व पाटलिपुत्र तक था, अवंती उज्जैनी तक था, ठीक, अवंती उज्जैनी तक था। प्रांत जो बटा हुआ था कहाँ कहाँ तक फैलाया हुआ था वही के बारे में बता रहा है। कलिंग तोशली था, और कलिंग की जो राजधानी उस समय अयापी बोल सकते, कलिंग में जो होता था वो कहाँ था तोशली तक था। विजय विषयपति प्रादेशक, अब देखिए होता क्या था कि 10 गांव के समूह के योग को क्या कहते थे विजय विषयपति प्रादेशक कहते थे, 10 गांव का योग जो होता था। ग्राम का मुखिया आमिक कहलाता था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम डबल ट्रिपल स्टार लगा लीजिए कि पूछ लेते हैं कि मौर्य के प्रशासन में गांव के मुखिया को क्या कहते थे, वो आमिक कहते थे, क्या कहते थे आमिक कहते थे। ये क्वेश्चन 100 बार पूछा गया है कि मौर्य के प्रशासन में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था, आमिक कहा जाता था, क्या कहा जाता था आमिक कहा जाता था, आमिक 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 कहा जाता था, याद रख लीजिएगा। नगर प्रशासन किस तरीके का सा था, अब देखिए ये मेघस्थनिक जो सेल्युकस निकेटर का राजदूत बन करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसने मौर्यों के जो शासन प्रशासन के बारे में एक पुस्तक लिखी है इंडिका, ठीक, इंडिका में पूरे मौर्य प्रशासन के मौर्यों का किस तरीके का शासन होता था, कैसी गुप्तचर व्यवस्था थी, सभी का वर्णन किसमें किया गया है, तो उस इंडिका में किया गया है। तो मेघस्थनिक यहाँ पर रहा है, कुछ दिन अध्ययन किया है, तो उसके बारे में समाज को वो क्या बताना चाहता है उसके बारे में जानेंगे। मेघस्थनिक के अनुसार समाज में 6 समितियाँ थी, मेघस्थनिज के अनुसार समाज में 6 समितियाँ थी, और हर समिति में 5-5 अधिकारी हुआ करते थे। जैसे मान लीजिए 6 समिति है, ठीक, जैसे मान लीजिए दुलवंदन समिति, कर विभाग समिति, या फिर क्या नाम है राजस्व विभाग समिति, तो मान लीजिए 6 समितियाँ थी और हर समिति में 5-5 लोग हुआ करते थे। मौर्यों के प्रशासन में 6 समिति थी और हर समिति में 5-5 लोग हुआ करते थे, इस तरीके से टोटल 6 समिति हुआ करते थे। ये किसने कहा था, ये समिति के बारे में किसने बताया था हम लोगों को, कौन मेघस्थनिज ने, जिसकी पुस्तक कौन सी थी इंडिका थी। अब देखिए कौटिल्य के अनुसार समाज में 4 वर्ग के लोग थे, कौटिल्य के अनुसार समाज में 4 वर्ग के लोग थे, जैसे कि हम लोग गुप्तों के बारे में भी पढ़ेंगे, तो गुप्तों के बारे में पढ़ेंगे उसमें भी दिखाया जाएगा कि 4 तरह के लोग हो चुके थे समाज में, कुरीतियाँ फैल चुके थे। तो इसके जब हम लोग मौर्य काल खत्म कर लेंगे उसके बाद हम लोग गुप्तों पे भी आएंगे, ठीक। तो देखिए हुआ क्या था कि कौटिल्य के अनुसार समाज 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बचपन से सुनते आ रहे होंगे समाज जो था 4 वर्गों में विभाजित था। पूछेगा जिस समय मौर्यों का प्रशासन चल रहा था, जिस समय मौर्यों का राजपाट था, जिस समय मौर्य प्रशासन कर रहे थे पूरे भारत में, उस समय भारत में कितने वर्गों में विभाजित किया गया था, कितने वर्णों में विभाजित किया गया था। तो कौटिल्य चाणक्य के अनुसार समाज 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन ये जो मेघस्थनिज था वो 7 वर्गों में बांट दिया था। यही क्वेश्चन बनेगा कि मेघस्थनिज के अनुसार समाज को 7 वर्गों में बांट दिया गया था, अब वो 7 वर्ग कौन थे यही क्वेश्चन बनाएगा। अब 7 वर्ग तो सबको पता है लेकिन 7 वर्ग के नाम नहीं पता है, तो 7 वर्ग के नाम से ही क्वेश्चन पूछेगा और बोल देगा कि मेघस्थनिज के अनुसार इनमें से कौन सा समाज में सम्मिलित नहीं था, 7 वर्णों के समाज में सम्मिलित नहीं था। तो अभी हम लोग 7 को याद करेंगे, सबसे पहले दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद होते थे, ये 7 वर्ग थे जिसको मेघस्थनिज में समाज में 7 वर्गों में बांट दिया था। वो बोला था कि समाज में 4 तरह के लोग नहीं 7 तरह के लोग रहते थे, समाज में 4 तरह के लोग नहीं 7 तरह के लोग रहते थे जिनका कार्यभार अलग अलग हुआ करता था। कौटिल्य के अनुसार यहाँ पे दास प्रथा नहीं थी, कौटिल्य चाणक्य के अनुसार जो उनकी पुस्तक है क्या उनकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, तो उनके अनुसार यहाँ पे दास प्रथा नहीं थी, लेकिन मेघस्थनिज उनके विपरीत बोल देता है कि यहाँ पे दास प्रथा थी। मेघस्थनिज क्या बोल रहा है कि यहाँ पे दास प्रथा नहीं थी और ये बोल रहे हैं कि दास प्रथा थी, कौटिल्य बोल रहे हैं कि दास प्रथा थी और मेघस्थनिज बोल रहे हैं यहाँ पे दास और जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो दोनों का कथन अलग अलग है और दोनों से क्वेश्चन यही बनेंगे, पूछेगा कौटिल्य के अनुसार क्या समाज में दास प्रथा थी, तो बोलेंगे हाँ थी। क्या मेघस्थनिज के अनुसार समाज में दास प्रथा नहीं थी, बोलेंगे हाँ नहीं थी, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। स्त्रियों की स्थिति ठीक थी,
स्त्रियों की जो स्थिति थी उस समय समाज में बहुत अच्छी थी। मौर्यों के समय में पुरुषों और महिलाओं की समानता थी। बाद में गुप्त काल आते आते समाज में कुरीतियाँ बढ़ गई थी। अब यहाँ पे दिया हुआ क्या कि देखिए उस समय भी वैश्यागिरी होती थी, वैश्या होती थी, तो समाज में जो वैश्यागिरी करने वाली स्त्रियाँ होती थी उनको रूप जीवा कहा जाता था। इनसे मालूम है PCS का फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें कम से कम आपसे 50 से 60 बार पूछा गया है ऑल इंडिया PCS के एग्जाम में। आप चाहे तो UPSC का भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि समाज में जो वैश्यागिरी करने वाली स्त्रियाँ होती थी उनको क्या कहा जाता था, उनको रूप जीवा कहा जाता था। क्या कहलाता कि रूप जीवा कहलाती थी। देखिए उस समय भी वैश्यापन वैश्या जैसी स्थिति होती थी, लोग समाज में इस तरीके से कार्य करने के लिए विवश हुआ करते थे पैसे को कमाने के लिए। ठीक, तो उस समय जो समाज में स्त्री जो वैश्यागिरी करती थी उनको रूप जीवा कहा जाता था। अब मौर्यों का प्रशासन किस तरीके का था, देखिए कर व्यवस्था के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि किसी भी साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है उसकी धन संपदा, और धन संपदा कहाँ से आएगी जब कृषि अच्छी होगी। तो वहाँ पे जो है कृषि प्रधान समाज था। क्या था, अर्थव्यवस्था का आधार कृषि थी। क्या था, अर्थव्यवस्था का आधार कृषि थी। 1/6 और 1/4 कर लिए जाते थे। अब जैसे 1/4 1/6 से सीधा सीधा तात्पर्य, जैसे कि मान लीजिए 100 रुपये हम कमाते हैं तो उसका 25% हम टैक्स दे देते हैं तो 1/4 हो जाएगा, और 100 रुपये अगर हम कमाते हैं तो 1/6 हिस्सा हम लोग टैक्स दे देते थे, वो क्या हो जाता था 1/6 हो जाता था। ठीक, 100 रुपये कमाए तो 1/6 उसको 1/6 से भाग कर दिए, जितना पैसा आता था उतना टैक्स दिया करते थे वो 1/6 हो जाएगा। उसी तरीके से 100 रुपये को 4 रुपये से भाग कर दिए, जितना पैसा आता था उतना टैक्स दिया करते थे। 1/4 से लेकर 1/6 तक कर व्यवस्था हुआ करती थी और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, कृषि था। अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, याद रख लीजिए बार बार, क्योंकि कई लोग बोलेगा कि अर्थव्यवस्था का आधार केवल और केवल व्यापार था, तो व्यापार भी था कृषि भी था, क्योंकि यहाँ से भी निर्यात भी किया जाता, आयात और निर्यात दोनों हुआ करता था। विदेशों से हम लोग व्यापार करते थे, आयात भी करते थे, निर्यात भी करते थे, दोनों प्रकार की प्रक्रियाएँ यहाँ पे सम्मिलित की जाती थी। और मुद्रा व्यापार हुआ करता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मौर्यों के प्रशासन के समय में मुद्रा व्यापार हुआ करता था, क्योंकि आप जान ही रहे हैं समय काल हम लोग कब पढ़े थे, 322 से लेके फिर 198 तक गए थे, फिर 261 ईस्वी में क्या हुआ था, अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। 261 ईस्वी में अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था, तो अभी हम लोग 261 को इसमें 2021 में प्लस कर देंगे तो उतना पीछे चले जाएंगे, करीब 2300 साल पहले की बात हो जाएगी। ठीक, तो 2300 साल पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, आयात और निर्यात दोनों करते थे और मुद्रा व्यापार किया जाता था, मुद्रा से व्यापार किया जाता था। चोरी करने वाले को मृत्यु दंड का प्रावधान था, 1/10 या फिर चोरी करने वाले को मृत्यु दंड का प्रावधान दिया जाता था, 1/10 1/10 के रूप में देना पड़ता था। और यहाँ और मृत्यु दंड का भी प्रावधान था, मतलब सजा के तौर पर उसे मृत्यु भी दी जाती थी अगर वो टैक्स नहीं चुकाता है तो। ठीक, प्रमुख बंदरगाह पूछ लेगा आपसे कि मौर्यों के प्रशासन के समय जब मौर्यों का शासन भारत पे था जिससे वो व्यापार करते थे, अब जाहिर सी बात है पानी से ही करेंगे, उनके पास नौसेना भी थी तभी व्यापार करते थे। ठीक, तो प्रमुख बंदरगाह भरोच था, प्रमुख बंदरगाह भरोच था, याद रखिएगा प्रमुख बंदरगाह भरोच था। तो इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये आप छोड़े कई लोगों को बोरिंग लग रहा होगा लेकिन जो टफ चीज़ें होती हैं उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, टफ चीज़ों से ही क्वेश्चन बनेंगे। अब ये ज़माना ख़त्म हो चुका है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था, तो ये सब का खेल अब ख़त्म हो चुका है, अब क्वेश्चन इससे ही बनेंगे। क्वेश्चन अगर बनना भी होगा तो इसी सभी चीज़ों से बनेंगे, क्योंकि ये कई बुकों का समग्र है, कई बुकों से जांच करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। यूटेरिया के जो कुछ वीडियो होते हैं उनके भी हेल्प मैंने ली है, क्योंकि क्या नाम है ये कई सारे वीडियो जैसे मेरे खुद के नोट्स हैं उनसे भी मैंने मिलाया है, फिर कुछ ऑनलाइन वीडियोज़ को देख के फिर उससे भी मैंने कुछ मिलाया है, और उस सबको ऐड करते हुए यहाँ आपके सामने ये चीज़ लेके आया हूँ। इसको अगर आप खोजने बैठेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि बिहार का हम लोग एग्ज़ाम देते हैं या फिर इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो पूरे भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास दोनों बिहार से स्टार्ट होता है, इसलिए ये मौर्यों को पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए। अगर हम लोग मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए आ गया कि मौर्यों के प्रशासन पे संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, मौर्यों के प्रशासन पे संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, तो इतनी चीज़ें लिख देंगे तो क्या वो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, कहानी तो आप लिख ही सकते हैं, ये सब डाटा आप फैक्ट के रूप में आप डाल देंगे तो एग्जामिनर को नंबर देने के लिए बाध्य हो जाएगा। 15 नंबर का है तो आराम से वो आपको 9 नंबर देगा अगर इतनी चीज़ों का उपयोग कर लेंगे आप। तो अगर 15 में 15 लाना है तो आपको किताबी भाषा पूरी रखनी पड़ेगी, और जाहिर सी बात है PCS वगैरह में किताबी भाषा पे ज़्यादा नंबर जोर दिया नहीं जाता, अपनी भाषा लिखनी पड़ती है। ठीक, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 15 में 15 नंबर ला सके। ठीक, तो आप याद रखिएगा इस सभी चीज़ों को 2 से 3 बार रिवाइज़ करिएगा तभी आपको याद होगा, एक बार में याद होने वाली चीज़ें नहीं है।
तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को प्लीज़ ऑनलाइन ही देखें। आप लोग ऑफलाइन देखते हैं तो उससे हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, चैनल की रेटिंग वापस गिरती जाती है, उससे क्या होता है चैनल सबके सामने ग्रो नहीं हो पाता है। चैनल की बात नहीं है, बात यहाँ पे है कि फ्री में एजुकेशन देने की। अगर आप इसको आप पे भी करेंगे तो इतना अच्छा एजुकेशन आपको नहीं मिलेगा। आप चाहे तो यूट्यूब पे सर्च मार के देख सकते हैं, एमसीक्यूज ही सॉल्व करने से अगर एग्जाम निकल जाता तो दुनिया खाली एमसीक्यूज सॉल्व करती। चलिए इतनी बातें बोलते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इससे अच्छे वीडियोज आपको लाता रहूँ। धन्यवाद।